देश के 11 राज्यों में स्लम बस्तियों की बेटियों को पढ़ाने और उन्हें हर सुरक्षा देने में अहम योगदान देने वाले एनजीओ नादी फाउंडेशन ने एक और कदम बढ़ाते हुए देश के सबसे बड़े बैंक पीएनबी के सहयोग से देश के 2 जिलों मोगा और वाराणसी में 2000 बेटियों को उच्च शिक्षा और हर सुख सुविधा देने का नया प्रोजेक्ट दामिनी के नाम से शुरू किया है, जिसकी शुरुआत नादी फाउंडेशन के पंजाब के मोगा के ऑफिस में शुरू की गई है। इस मौके पर नादी फाउंडेशन के अधिकारी और पीएनबी मेट लाइफ अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर दामी प्रोजेक्ट के तहत 1000 लड़कियों को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, कॉपियां और किताबें बांटी गई। वहीं नादी फाउंडेशन द्वारा इन लड़कियों को अलग अलग स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासें देगा और इनकी सेहत और हर सहूलत का सामान देगा। इस मौके पर मोगा नादी फाउंडेशन के इंचार्ज तरनजीत कौर ने बताया कि नादी फाउंडेशन की ओर से देश के 11 राज्यों में उनकी संस्था काम कर रही है, जिनमें पंजाब के मोगा में पिछले 3 सालों से यहां पर भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें लड़कियों को शिक्षा और उन्हें हर जरूरी सहूलतें उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं इस मौके पर पीएनबी के अधिकारी निपुण कौशल ने बताया कि दामिनी प्रोजेक्ट के अधीन आज देश के 2 जिलों पंजाब के मोगा और यूपी के वाराणसी में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। अभी हमने 2000 लड़कियों को दोनों जगह एक एक स्लम बस्ती की लड़कियों को अवार्ड किया है। इस मौके पर लड़कियों के माता पिता भी बहुत खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला सकते, लेकिन इस संस्था द्वारा हमारे बच्चों की पढ़ाई और यूनिफॉर्म, किताबें आदि का जो खर्चा उठाया है वो बहुत अच्छा है। रोल सर, ओके सर, आज हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है मोगा में। इस इनिशिएटिव के थ्रू हम करीब 1000 ननी कलियों को अडॉप्ट कर रहे हैं इस ज़िले में, और हमने इसके लिए एक पार्टनरशिप भी करी है ननी कली ऑर्गेनाइजेशन के साथ। पीएनबी मेटलाइफ का एक प्रोजेक्ट है जिसको हम दामिनी के नाम से बुलाते हैं, और इस प्रोजेक्ट के तहत हम ये चाहते हैं कि हम पंजाब में और देश भर में जाके जो छोटी बच्चियां हैं उनसे लेके बड़ी लड़कियों तक हर स्टेज पे नन्ही कलियों को सपोर्ट करें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको सुरक्षा के मतलब समझाएं, उनको हाइजीन के मतलब समझाएं, और ये हमारा मोटो है और ये हमारा विजन है। पूरे इंडिया से, पंजाब से शुरू किया, अपने मोगा से क्यों शुरू किया? मोगा इसलिए क्योंकि यू नो पंजाब नेशनल बैंक हमारा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, वो इस ज़िले में और पूरे पंजाब में एक पूरी तरह से फैला हुआ है। उनके लिए बहुत बड़ा स्टेट है, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेट है, और हमारे को ऑल्सो कुछ रिपोर्ट हमने देखी, कुछ जांच करी, और हमको ये लगा कि इस ज़िले में इस ऐसी कोई एक मुहिम की बहुत ज़रूरत है, तो हमने इसलिए यहाँ से मोगा से शुरुआत की। मोगा चो ऑलरेडी भी जेड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, 6000 ननी कली से टोटल मिला के 7045 ननी कली हो गई ने, और जिहड़ियां असीं सपोर्ट करते हाँ जिहड़े वीक सैक्शन ने जिवें स्लम एरियाज ने, जिवें अपने रामदास नगर है, साधा वाली बस्ती है, दशमेश नगर के जिन्हें भी मतलब जिहड़े वीक सैक्शन के बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, खास करके जिहड़ा साडा प्रोजेक्ट हैगा जिहड़ा ओह गर्ल्स वास्ते है, ते असीं गर्ल्स नूं ही एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, अकैडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उन्हां नूं फॉर 2 आवर्स। जिहड़े सानूं जिवें हुण डोनर जिवें अज्ज असां आपां इत्थे इकट्ठे होए हैं कि पीएनबी मेटलाइफ वाले ने जिवें साढ़े 1000 रनिंग कलेज अडॉप्ट किए हैं, उवें जिवें साढ़े 6000 रनिंग कलेज भी अलग अलग डोनर्स ने उन्हां दे जिहड़े उन्हां नूं कि सानूं भी बच्चे अडॉप्ट करते हैं, तो सानूं उन्हां लई मटीरियल सपोर्ट वगैरह अकैडमिक सपोर्ट वगैरह का मटीरियल प्रोवाइड करते हैं। नन्ही कली जो प्रोजेक्ट है वो 20 साल से, मोर देन 20 ईयर्स, 1996 में शुरू हुआ था, एंड नन्ही कली प्रोजेक्ट है। इसकी मोगा में शुरुआत 2016 से हुई है, और अभी हम यहाँ पर 7045 नन्ही कलियाँ सपोर्ट कर रहे हैं, लगभग 22 सपोर्ट दिंदे ने अपने बच्चों को, है ना। तो जो गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स होंगे उन्होंने अपने फादर्स वालों या मदर्स वालों, पेरेंट्स वालों भी जी इकोनॉमिक हेल्प नहीं मिल पाती है। कुछ साल पहले पीएनबी और मेटलाइफ ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर किया था, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर्म की थी इंडिया में, और जैसा कि आप समझ सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक है, तो पंजाब में एक